हेलो फ्रेंड मु रोजी आपनकु मो किचन को स्वागत करूची। आज आमे रज स्पेशल पोड़ पिठा तयारी करबा। प्रथमे मु आपनकु रजर अभिनंदन जणौची। रज त समस्त पोड़ पिठा तयारी करंती, मु आपन पे रेसिपी छाडीची। चलो ताले चालंतु आज देखिबा पोड़ पिठार रेसिपी। ता पूर्वरु मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु और पाखरे थे बेल आइकन को क्लिक करंतु, ताहले आपन नुआ नुआ नोटिफिकेशन पाई परिबे। मो वीडियो को लाइक करंतु। चलंतु स्टार्ट करिबे आजर रेसिपी। आज हमें बिरी चावल पोड़ पिठा करिबा। एथि पे मु नेची बिरी गोटे कप, चावल दुई कप। आपको आम भल भाव आगे ग्राइंडर में मिक्स करदे। मु रजपाई एथेरे ट्रेडिशनल स्टाइल रे मु एथेरे बिरी बाटिबी। आपण मैंने सब तो ग्राइंडर बाटिक खाऊबे, जदि आपण पाखे एमती नोल अच्छी तेल एमती एथेरे बाटिक पिठा आप करूँ, देख पिठार टेस्ट के भल आस ना। जदि ना जहाँ पाखे तेल किसी कथ नहीं, ग्राइंडर बाटिक करें। तो टे टाइम लगे 15 मिनट टाइम लगे एमती बाटिक करने। जदि आपण पाखे ना तो कि असुविधा ना, तो आप ग्राइंडर बाटिक पोड़ पिठा करें। ये पिठार टेस्ट भल आस मुझे बाटिक कर। देखो आम बिरी ग्राइंडर हो प्रस्तुत हो गला। एथर बाटा द्वारा आमको किसी फेंटा किसी आवश्यक ना, ये फेंटी बाटी हो गला। के सुंदर फ्लपी हो देख तो पूरा बिरी फेणी हो गला। एबे आमे ए बिरी बटाटा को गोटे जगह काटदे। मुझे लुण गोटे चामच पकई, लुण गोटे चामच पकड़ भल भाव घाटी दबा। आपण आप स्वाद अनुसार लुण पकेबे केतिक आप दरकार। आमे तो जो बिरी बाटिला बेले आम बिरी तो भल भाव फेणी होती, ए खाली आम लुण पक फेटीद तो गोटे घंटा छाड़ दबा। बिरी चावल जो मिश्रण करा फुल जाए गुड़ पकईदे। मुझे गुड़ गोटे कप नहीं, आपण जी मीठा खाते से अनुसार पकेबे, कि पोड़ पिठा तो मीठा हेल्ले भल लगे। अपन तो चाहते थे चीनी पके भी कर सकते। गोड़ा को भल भाव भांगी देते तद्वारा भल भाव मिक्स हो। पूर्व तो लुण पकई, लुण पकईवा कि दरकार ना, भल भाव आम गुड़ मिक्स हो गला। मुठी किसी खंड नड़िया आ कि कोड़ नड़िया नहीं पकईदे। आमर पोड़ पिठा पाई बैटर प्रस्तुत हो गला। मुझे प्रेसर कुकर को 15 मिनट है ततेई, आपको आगे भल भाव ततेबे। ततेबा द्वारा पोड़ पिठा सहजरे बाहरी पार, तेना 15 मिनट 20 मिनट भल भाव ततेबे। मुझे किसी गुआ घी ढाली गोटे चामच रिफाइन तेल ढाली,
ଯେ ଫ୍ୟାନ୍ ତେଲ ଦେଇଦେଲେ ଭଲରେ ପିଠାଟା ଆଉ ଲାଗିବନି, ଭଲରେ ଛାଡ଼ିପାରିବ। ଏଇଟା ବି ଆମର ଭଲ ଭାବେ ତାତିଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଘିଅ ଆଉ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଟିକେ ଦେବା। ଯଦି ଆପଣ ନ ଚାହାନ୍ତି ଖାଲି ଘିଅ ଦେଇକି ବି କରିପାରିବେ। ଆମରଟା ଭଲ ଭାବେ ତାତି ହେଇଛି, ଆମେ ବ୍ୟାଟର୍ଟା ଢାଳିଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ବେଶୀ ଗୋଟେ କଭର ଦେଇଦେବା, କଭର ଏଠି ହୁଇସିଲ୍ ଆଉ ତା ରବରଟା କାଢ଼ିଦେବା। ତାକୁ ଆମେ ଅଧଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବସେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପୋଡ଼ ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲାଣି। ତାକୁ ଆମେ ଏମିତି ଭିତରେ ଇଏ କରିକି ଛୁରୀ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଦେଖିବା, ଆମର ଏଇଟା କିଛି ବି କଞ୍ଚା ଲାଗୁନି, ଠିକ୍ ହେଇଛି ପୋଡ଼ ପିଠା। ତାକୁ ଆମେ ତାପରେ ଏ ଯେଉଁ ବାହାର କରିବା ପୁରା ଥଣ୍ଡା କରିକି ବାହାର କରିବା, ଘଣ୍ଟେ ଖଣ୍ଡେ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ବିଲକୁଲ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ପୋଡ଼ ପିଠା ବାହାର କରିବେ। ଆମର ଏବେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି, ଏଇଟା ଆମେ ତାପରେ କାଟି କାଟି ବାହାର କରିବା ଭିତରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପୋଡ଼ ପିଠା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଭଲ ସ୍ପଞ୍ଜି ବି ହେଇଛି। ଆପଣ ଏମିତି ଘରେ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ପରିବାରକୁ ଖୁଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରିଲେଟିଭମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ମୋତେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି।